नमस्कार मित्रों, जय हिंद। यह जो आप सर्प देख रहे हैं यह बेहद ही जहरीला है। अहिराज सर्प इसे कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के यह बाटकी मोगरा क्षेत्र अंतर्गत कटई नार के एक निवास में घुस गया था। और स्थानीय लोगों ने, घर वालों ने बताया कि यह सांप एक दूसरे सांप को खा रहा था। सर्प मित्र जितेंद्र सारथी को इनके द्वारा सूचना दी गई। यह देखिए, जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंचे हैं और वे सर्प का बेहद ही सुरक्षात्मक तरीके से, यह देख पा रहे हैं आप, उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है और एक डब्बे में बंद कर इसे सुरक्षित स्थान जंगल जो है वह छोड़ दिया जाएगा। इस तरह से सांपों को इंसानों से और इंसानों को सांपों से जो है वह सुरक्षा की जाती है। सर्प मित्र जितेंद्र सारथी लगातार जिले में सराहनीय कृत्य करते आ रहे हैं। देखिए आप किस तरह से जितेंद्र सारथी ने सांप को पकड़ लिया है, अब इसे एक डब्बे में बंद कर रहे हैं और इसे समीप के जंगल छोड़ देंगे। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों का, घर के निवासी को क्या कहना है। जी परिचय जी बताएंगे मैडम, क्या हुआ था? हम बाकी मोगरा कटेनार से बोल रहे हैं। हमारे घर में एक जहरीला सांप आ गया था। हम रेस्क्यू टीम को बुला के उसको सुरक्षित पकड़वा के बाकी सबको मदद करके इसको अच्छा से पकड़वाएं और सबको सुरक्षा रखें। और जितेंद्र सारथी जी को धन्यवाद, हम सबके लिए धन्यवाद देते हैं। सर, आज करीबन 12:30 बजे के रात्रि के समय बाकी मुंगेर क्षेत्र की कटईनार क्षेत्र से कुछ लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि काफ़ी बड़ा सा एक विशाला सांप उनके घर पे आ चुका है, जो कि एक दूसरे सांप को खा रहा था। निश्चित तौर पे सांप को देखते ही लोग बहुत ज़्यादा भयभीत और डर जाते हैं, जिसके बाद से हम कोरबा से बाकी मोगरा के लिए हम निकले। और जब हम यहाँ आके पहुँचे तो देखा ये काफ़ी बड़ा सा विशाल का बैंडेड कर रहा था, जिसको हम अहिराज बोलते हैं। ये बेहद ही जहरीला होता है, लेकिन अमूमन ये किसी भी व्यक्ति को जल्दी से ये काटता नहीं और शर्मिला स्वभाव का होता है, बट सांप तो जहरीला होता ही, इसलिए लोग डरे रहते हैं। और हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। निश्चित तौर पे ऐसे समाज के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं कि उन सांपों को देखने के बाद भी मारते नहीं है, उनको बचाने का प्रयास करते हैं। और मैं पूरे बाकी मोगरा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद करूंगा, साथ ही साथ मैं बाकी मोगरा क्षेत्र को मैं आश्वस्त करूंगा कि जब भी ऐसे सांप आपको दिखाई दे, मारने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें किसी भी वक्त में फोन करें। हमारा काम है आपको सुरक्षित करना, आपके परिवार को सुरक्षित करना और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप तक पहुँच कर सुरक्षित सांप को रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल पे छोड़ना। तो देखा मित्रों आपने किस तरह से जितेंद्र सारथी, जो कि एक स्नेक कैचर हैं, क्षेत्र के माने जाने सर्प मित्र स्नेक कैचर हैं और सर्प मित्र के नाम से इन्हें जाने जाता है, वन विभाग को जानकारी देने के पश्चात किस तरह से सर्प का यह रेस्क्यू करते हैं। तो चैनल में नए हो मित्रों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम यूं ही नए नए वीडियो के साथ आपको जो है प्रकाशन में लाते रहेंगे खबरों को। और मिलते हैं अपने नए खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।